हेलो दोस्तों, फोन डेटा के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं आपको जियो फोन के कैमरा का एक डेमो। वैसे अगर आप पहली बार आए हैं फोन डेटा के ऊपर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारे यहां पर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव वीडियोज लेके आते हैं रेगुलरली। तो अगर हम बात करें जियो फोन की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 2.4 इंचेस का डिस्प्ले, 4 GB का स्टोरेज और 512 MB का रैम। और अगर हम कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 2 MP का रेयर कैमरा और 0.3 MP का फ्रंट कैमरा। मतलब 0.3 MP, मतलब वही 10 साल पुराने जो फीचर फोन में कैमराज मिलते थे वही कैमरा हमें मिलेगा इंडिया के स्मार्टफोन के अंदर। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसकी सेल्फीज नॉट बैड है, एटलीस्ट 0.3 MP के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक फटाफट पिक्चर ले रहा हूँ हमारे फोन डेटा मग का। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है ऑप्शन जूम करने का, मतलब जूम इन जूम आउट। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जूम इन करने पर भी फोटो को इतना बुरा नहीं आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें शेयरिंग की, तो अगर आपको अपने फ़ोन में से फोटो को डायरेक्टली शेयर करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिलता है ब्लूटूथ का। अगर इस फोन के अंदर व्हाट्सएप आ जाएगा तो होपफुली उसके अंदर भी आप डायरेक्टली शेयर कर पाएंगे, लेकिन अभी जो यूनिट है मेरे पास उसके अंदर व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं है, तो आप शेयर कर पाएंगे सिर्फ ब्लूटूथ ऑप्शन से किसी और डिवाइस के साथ। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो इसी फोटो को आप सेट एज वॉलपेपर भी कर पाएंगे। बात रही वीडियो की, तो यहाँ पर आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलेगा और आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 480p की क्वालिटी में। और अगर हम वीडियो फाइल्स की बात करें तो ये वीडियो फाइल सेव होंगे 3GP फॉर्मेट में, मतलब वही फीचर फ़ोन की फॉर्मेट में आपको सारे वीडियो फाइल्स मिल जाएंगे। ये रहे कुछ क्लिप्स मैंने जो इस फ़ोन से खींचे थे और आप इसको डायरेक्टली वापस ब्लूटूथ से ही शेयर कर पाएंगे। ये रहा सेल्फी ऑप्शन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप फ्रंट कैमरा से भी वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आप फ्रंट कैमरा से भी वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और इसके अलावा आप इसको वापस ब्लूटूथ से ही शेयर कर पाएंगे। तो ये रहे कुछ कैमरा सैंपल जो मैंने इस फोन से खींचे थे। और फाइनली फ़ोन के अंदर हमने लेटर रियलाइज़ किया कि इसके अंदर आपको क्वालिटी की भी ऑप्शंस है, मतलब लो, हाई, मीडियम और ये सब। और जिसके अंदर हमने रियलाइज़ किया कि अगर हम इसको हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड करेंगे तो वीडियो कुछ इस तरह से आएगा। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं कि जियो फोन के रियर फेसिंग कैमरा की क्वालिटी। अभी इसकी ऑडियो और वीडियो डायरेक्टली हम लोग इसी कैमरा से ले रहे हैं, कोई एडिट नहीं किया है। ये वीडियो है 480p पर और आपको सिर्फ इस वीडियो के अंदर आपको दिखेगा कि क्वालिटी थोड़ी बहुत एनहेंस की होगी यूट्यूब ने या फिर डाउनग्रेड की होगी पता नहीं, लेकिन ये आपको एक आइडिया देगा कि इस फोन की क्वालिटी कैसी है रियर फेसिंग कैमरा से। और इसका रेजोल्यूशन है 720p/480, मतलब 480p का है। फाइल्स भी 3GB फॉर्मेट में, छोटे छोटे फाइल बन जाते हैं, 8-10 MB के वीडियो बन जाते हैं, और जिसको आप शेयर कर पाओगे फेसबुक और व्हाट्सएप से। तो बताइए आपको कैसा लगा 1500 रुपये के फोन के अंदर ये वीडियो कॉलिंग ऑप्शन, और इसके अंदर फ्रेंड वीडियो ऑप्शन भी है और आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो। अभी तक मुझे वीडियो कॉलिंग ऑप्शन एनेबल नहीं हुआ इस फोन के अंदर, क्योंकि आपको दो सेम फोन चाहिए इस ऑप्शन को एनेबल करने के लिए, तो अभी हमारे पास एक ही फोन है तो टेक्निकली उसको यूज नहीं कर पाए। आपको कैसा लगा ये फीचर 1500 रुपये के फोन के अंदर फ्रंट और रियर वीडियो रिकॉर्डिंग? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए फोन रखो कुछ ऐसे वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित और मैं मिलता हूं आपको हमारे अगले वीडियो में। बाय बाय।